सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और किसी वजह से आप अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट या फिर डिएक्टिवेट करना चाहते हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना चाहते हो या फिर उसे इंटरनेशनल यूज करना चाहते हो तो कैसे आप उसकी लिमिट को चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, किसी वजह से आपका डेबिट कार्ड खो गया है या फिर चोरी हो गया है तो कैसे आप उसे डिएक्टिवेट कर सकते हो, या फिर आपका डेबिट कार्ड पहले से डिएक्टिवेट है तो कैसे आप उसे अपने मोबाइल से ही एक्टिवेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये सारा प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अपने डेबिट कार्ड को पूरे विश्व में यूज़ कर सको। जी हाँ दोस्तों, जिससे आप अपने डेबिट कार्ड को इंटरनेशनल यूज़ कर सको और अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट और डिएक्टिवेट कर सको। दोस्तों, ये सारे प्रोसेस आप अपने मोबाइल से कर सकते हो जिसका पूरा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो चलिए मैं आपको उसे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ आपको इसको अपने पासवर्ड से वेरीफाई करना है, तो चलिए मैं इसे पहले वेरीफाई करता हूँ फिर आपको इसे दिखाता हूँ। दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हमारे फ़ोन में ओपन हो चुका है। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ डेबिट कार्ड के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों हमें जाना है अपने डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, आपको इस पर जाना है, इस पर क्लिक करना है आपको डेबिट कार्ड पर। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डेबिट कार्ड के काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे सबसे ऊपर आ रहा है एप्पल डेबिट कार्ड, ईमेज डेबिट कार्ड और रीजनरेट पिन। और आप अपने डेबिट कार्ड की पिन चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस ऑप्शन में जाकर अपने डेबिट कार्ड की पिन चेंज कर सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा 6 नंबर वाला, उसके बाद ही ओपन होगा, क्योंकि दोस्तों ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है। तो हमें अभी अपना पिन रीजनरेट नहीं करना है, तो इसे मैं बैक करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था डेबिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि आप डेबिट कार्ड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हो। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट वाले पे। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको इसे फिर से वेरीफाई करना है अपने पासवर्ड से, तो चलिए मैं आपको इसके पहले ओपन करता हूँ। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है कार्ड स्टेटस का, यानी कि ये ऑन है। तो अगर आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से अगर ऑफ कर दोगे तो ये आपका कार्ड ये है, तो ये आपका कार्ड जो है दोस्तों यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि अगर आपका ये कार्ड खो चुका है और आप यहाँ से अपने फ़ोन से इसे डीएक्टिवेट कर दोगे तो फिर आपके कार्ड को कोई भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आपका कार्ड टेम्परेरी ब्लॉक हो चुका होगा, यानी बंद हो चुका होगा। जब तक आप अपने इस एप्लीकेशन में आके इसे ऑन नहीं कर दोगे तब तक आपका कार्ड किसी भी काम का नहीं है, चाहे किसी के पास भी हो वो उसे गलत यूज़ नहीं कर सकता। और दोस्तों, अगर आपका कार्ड डिएक्टिवेट हो चुका है और आप फिर से उसे एक्टिवेट करना चाहते हो तब भी आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कस्टमर केयर से किसी भी तरह की कोई बात करने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से ही उसे एक्टिवेट कर सकते हो इसी ऑप्शन में आकर, क्योंकि दोस्तों अगर आपका कार्ड डिएक्टिवेट हो चुका होगा तो यहाँ पर जो ऑन का जो ऑप्शन है जो ऑफ होगा ऐसे चीज़ नीचे वाला इस तरीके से, और जब आप इसे ऑन कर दोगे तो आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल से ही अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप अपना डेबिट कार्ड किसी वजह से डीएक्टिवेट करना चाहते हो तब भी आप यहां से कर सकते हो, और अगर आपका डेबिट कार्ड पहले से डीएक्टिवेट है किसी वजह से और अगर आप उसे ऑन करना चाहते हो तब भी आप यहां से यहीं आकर आप इसे ऑन कर सकते हो। तो दोनों ही कंडीशन में आप अपने मोबाइल से ही अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो। और दोस्तों, नीचे वाला जो ऑप्शन है इंटरनेशनल यूजेज वाला, दोस्तों हमारा जो डेबिट कार्ड जो है ये सिर्फ नेशनल यूज का है, यानी कि आप इसे इंडिया में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आप इसे इंडिया से बाहर भी यूज कर सको तो आपको ये वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका डेबिट कार्ड इंडिया से बाहर यूज हो सकेगा। लेकिन दोस्तों, उसमें क्या चार्ज लगेंगे ये तो हमें बैंक से जाकर पता लगेगा, लेकिन आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हो, आपके पास जो ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों
आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप अपने डेबिट कार्ड को कैसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो और कैसे उसकी लिमिट को बढ़ा सकते हो, कैसे उसकी लिमिट को चेंज कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।